मैं अभी निवेदन कर रही हूँ, डॉक्टर वेद प्रकाश वेद प्रताप वैदिक जी, चेयरमैन काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी न्यू दिल्ली. डॉक्टर वैदिक इज अ वेल नोन स्कॉलर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ओरेटर एंड अ कॉलमिस्ट ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स. डॉक्टर वैदिक वर्क विद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया फॉर अ डिकेड एज द फाउंडर एडिटर ऑफ इट्स हिंदी न्यूज एजेंसी भाषा. Earlier he had the position of editor of views, now Bharat Times, the then largest circulated national Hindi daily. Currently he is the chairman of Council for Indian Foreign Policy and Bharatiya Bhasha Sammelan. More than 200 newspapers carry his column regularly. Most respected Dr. Ved Pratap Vedik ji. मंच पर विराजमान समस्त विभूतियाँ, भाई ब्रजमोहन जी दिखाई पड़ रहे हैं, नमस्कार. जानकी दादी जी से तो अभी भेंट होगी. मोहिनी जी, आपको भी मेरा प्रणाम. देवियों एवं सज्जनों, पिछले 60-70 साल से पूरे देश में मैं घूम रहा और दुनिया के लगभग 80 देशों में रह चुका हूं, यात्रा कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, लेकिन शायद पहली बार मैं आज किसी ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं जिसकी आयु 100 बरस हो गई. ये मेरे जीवन का बड़ा अद्भुत और विलक्षण अनुभव है. 100 बरस का कौन होता है? क्या आपको किसी प्रधानमंत्री का नाम याद है? दर्जन भर से ज्यादा हो चुके हैं. प्रधानमंत्रियों के नाम तो यूं ही याद नहीं रहते, लेकिन याद कीजिए कोई 100 बरस का हुआ. सबसे ज्यादा उम्र मिली मुरारजी देसाई को, लेकिन वो भी 90 के आसपास थे. आपने किसी बड़े उद्योगपति, भारत के ही नहीं दुनिया के किसी बड़े धनपति का नाम सुना कि जो 100 बरस का हुआ हो? कितने देश के साधु संत हैं जो 100 बरस पाते हैं? अच्छा, उनको ना मिले तो ना मिले. अरे भाई, डॉक्टरों को तो 100 बरस मिलना चाहिए. सारी दुनिया के स्वास्थ्य की देखरेख करने वाले डॉक्टरों को तो 100 बरस मिलना चाहिए. मैंने तो आज तक कोई डॉक्टर देखा नहीं 100 बरस का. तो 100 बरस की जानकी दादी हो गई, इसका रहस्य क्या है? मैं आप सब लोगों से यह प्रश्न करता हूं. जानकी दादी भी इस रहस्य को सिखाती हैं, बताती हैं, लेकिन दबी जुबान से. उनके मुंह से मैंने कभी खुलकर उस रहस्य का उद्घाटन करते सुना नहीं. वो उद्घाटन मैं करता हूं आज. वो अद्भुत रहस्य है, और वो ऐसा रहस्य है जो भारत में तो कहीं है ही नहीं. मैंने शुरू में कहा कि सारे विश्व में मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा रहस्य. उस रहस्य का नाम है, डॉक्टर साहब, उस रहस्य का नाम है ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, उससे इतना डरते हैं लोग आजकल. टीवी के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, सिनेमा के जमाने में, कि उसका नाम भी नहीं लेते. अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था कि लोगों ने जा जा के रपट लिखवाई थाने में,
कि अकबर लेता है खुदा का नाम इस जमाने में, इस जमाने में कामुकता के इस जमाने में दादा लेखराज, जानकी दादी, मोहिनी दादी और भी सभी दादियां, सबसे मेरा परिचय रहा है। क्यों मैं इनके प्रति आकर्षित हुआ? क्योंकि ये अकेली संस्था है पूरे विश्व में जो ब्रह्मचर्य का शंखनाद करती है। दादी जानकी का जो 100 वर्ष पूरा हुआ है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब रोज सुबह हम प्रार्थना करते हैं, जीवेम शरदशतग्वम शुणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशत मदीना, तो उसमें कहते हैं कि 100 शरद से भी अधिक जिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दादी जानकी को कम से कम 25 साल और दे और ब्रह्मचर्य की शक्ति उनको मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देगी। वेदों में लिखा है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपाग्नता, देवों ने ब्रह्मचर्य के तप से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। राजाओं के बारे में क्या कहा है, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षत, कि राजा राष्ट्र की रक्षा करता है ब्रह्मचर्य के तप से। यहां ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्री पुरुष का सिर्फ शारीरिक संबंध का निषेध ही नहीं है, ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म में आचरण करना, सच्चा योगी बनना। और योग क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग आसन प्राणायाम सिर्फ योग नहीं है, वो तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के साधन के लिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है। अगर आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो आपके हाथ में कुंजी आ गई जिससे चित्त पर नियंत्रण होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो काम दादा लेखराज ने किया, जो काम दादी जानकी ने किया, दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता है, नेपोलियन नहीं कर सकता है। यहां करीब करीब 20-25 हजार लोग विराजमान हैं, आप में से ज्यादातर ब्रह्मचारी हैं। इतने लोग अगर मुझे फौज में खड़े करना हो, इतने लोगों की मुझे फौज बनानी हो, एक ब्रिगेड बनानी हो, तो मैं बड़ी आसानी से बना दूंगा। लेकिन इतने ब्रह्मचारी खड़े करना सिर्फ परमात्मा के बस का खेल है, तो मनुष्य के बस का खेल है। यह अद्भुत काम है। मैं स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, मैंने महात्मा गांधी की तरह कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, लेकिन जैसे पेड़ पर फल लगता है, पकता है और गिर जाता है, स्वतः निवृत्ति होगी। इस निवृत्ति मार्ग की शिक्षा देना इस संप्रदाय का, ब्रह्मकुमारी संप्रदाय का मुख्य कार्य है। यह विलक्षण है और अपूर्व है, यह बहुत बड़ी बात है। दादियों से बराबर मेरी बातचीत होती रहती है, उनसे मैं आशा नहीं करता हूं कि वो शास्त्रों की महान पंडित होंगी, मेरी तरह संस्कृत जानती होंगी, शास्त्र जानती होंगी या विदेशी भाषाएं जानती होंगी। उनके पास एमए पीएचडी की डिग्री होगी, कुछ नहीं है, डिग्रियां विग्रियां कुछ नहीं उनके पास, लेकिन उनके पास वो सूत्र है, वो रहस्य है, वो मंत्र है जो बड़े बड़े पंडितों के पास नहीं है। उसी सूत्र ने आपके जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि सारे विश्व में ये संदेश फैले, और ये संदेश अगर फैलेगा तो भारत फैलेगा, आर्य संस्कृति फैलेगी। और दूसरा काम, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, दूसरा काम जो ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ने किया है, जिसने मेरा दिल जीता है, मैं तो एक बड़ा कट्टर आर्य समाजी परिवार का बालक रहा हूं, बाल्यकाल से कठोर ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ होने के बावजूद कठोर ब्रह्मचर्य का पालन मैं करता रहा। दूसरी चीज जो अद्भुत मैंने देखी, नारी शक्ति का हुआ, नारी शक्ति का हुआ। इस संस्था का नाम ही ब्रह्म कुमारी,
संस्था। ब्रह्म कुमार आ गए, डॉक्टर साहब जैसे लोग, ब्रजमोहन भाई जैसे लोग, वो तो बोनस है। ये भी बड़े अद्भुत लोग हैं, लालचंद जी वत्स, वो मुझे लाते थे। आप लोग तो अद्भुत लोग हैं, लेकिन मूलतः ये संस्था किनकी है? स्त्रियों की है। इस देश में स्त्री शक्ति का इतना अपमान है, शनि के मंदिर में नहीं जा सकती स्त्री, तो शनि किसके गर्भ में रहे? पुरुष के गर्भ में रहे क्या? शनि तो स्त्री के गर्भ में ही आए ना, तो अपनी मां की हत्या कर देते वो। अगर स्त्री के जाने से उसको शनि गुस्से में आके भस्मीभूत कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी मां को क्यों नहीं भस्मीभूत कर दिया? स्त्री शक्ति का बड़ा अपमान है। यह अकेला संप्रदाय है भारत में जो स्त्री शक्ति का शंखनाद करता है, स्त्रियों को आगे बढ़ाता है। और कैसा पवित्र जीवन है स्त्रियों का, शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण। शास्त्रों का हम क्या करें, पोंगा पंथी पाखंडियों का हम क्या करें? कोई पाखंड नहीं है यहां, सब समान है, सब एक जैसे हैं, कोई गुरुडम नहीं है, सब एक दूसरे के साथी, सब मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। ऐसे अद्भुत संप्रदाय का निर्माण करने वाली जानकी दादी के लिए परमात्मा को जरा थोड़ा उदार होना चाहिए। 100 वर्ष कुछ भी नहीं है, अरे 200 वर्ष दे दे परमात्मा, 200 वर्ष दे दे, ताकि ये भारत में ही नहीं सारे विश्व में बड़े पैमाने पर फैल जाए। मैं दादी जी को बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ कि एक ऐसी अद्भुत महिला का नेतृत्व हमको आज प्राप्त है। भारत एक महान शक्ति बनेगा, जिसे हम जगत गुरु कहते हैं, वो जगत गुरु बनेगा। दुनिया के किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पंथ में मैंने इतने ब्रह्मचारियों को एक साथ बैठे कभी नहीं देखा है। ये अद्भुत दृश्य है, मेरे जीवन का दृश्य है। जितना समय मुझे मिले, मुझे हमेशा आज का दिन याद रहेगा। दादी शतायु से भी अधिक द्विशतायु हों, यही कामना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।